रूस पर प्राइस कैप लगाने वालों को पुतिन की आखिरी वार्निंग। नहीं मानी रूस की बात तो प्राइस कैप लगाने वालों पर लग जाएगा ऑयल कैप। अब लगेगा यूरोप को 440 वोल्ट का तगड़ा झटका, क्योंकि अब तेल के लिए रूस सरकार से नहीं सीधे पुतिन से करनी होगी बात। रूस पर प्राइस कैप लगाकर उसे झटका देने का सपना देखने वालों के लिए पुतिन ने बड़ा इंतजाम कर लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपियन यूनियन के देशों में तेल के निर्यात पर बैन लगाने के लिए एक डिक्री पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत रूस ने यूरोपियन यूनियन के उन देशों में तेल के निर्यात पर बैन लगाया है जिन्होंने रूस के तेल पर प्राइस कैप लगा दिया था। रूस की इस डिक्री के मुताबिक ये बैन 1 फरवरी 2023 से प्रभावी होगा। इस आदेश में कहा गया है कि 1 फरवरी 2023 से प्रभावी होगा और 1 जुलाई 2023 तक लागू रहेगा। हालांकि इस डिक्री में एक ऐसा क्लॉज है जिसके तहत पुतिन को यह अधिकार दिया गया है कि वो विशेष मामलों में इस बैन को खारिज कर सकते हैं। यानी अगर प्राइस कैप लगाने वाले देश ये चाहते हैं कि रूस से तेल सप्लाई होती रहे तो इसके लिए उन्हें पुतिन को मनाना होगा, क्योंकि बैन जारी रखना है या नहीं यह फैसला अब खुद व्लादिमीर पुतिन ही करेंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने 5 दिसंबर को रूस के क्रूड के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद G7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस के तेल पर $60 प्रति बैरल की प्राइस कैप लगा दी थी। रूस के तेल पर यह प्राइस कैप लगाने के पीछे की मंशा रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी चोट करने की ही थी। प्राइस कैप का मुख्य उद्देश्य रूस की आय को कम करना है। पश्चिम की ओर से रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध का शुरू से ही मकसद रूस की आय के स्रोत को कम करना है, ताकि यूक्रेन से युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे रूसी फंड में कमी आए। इस महीने की शुरुआत में पुतिन ने संकेत दिए थे कि रूस तेल उत्पादन में कटौती कर सकता है और उन देशों को तेल नहीं बेचेगा जिन्होंने उसके तेल पर प्राइस कैप लगा दिया। हालांकि इसका तोड़ निकालते हुए रूस ने अपना रुझान वैकल्पिक बाजारों में, विशेष रूप से एशिया जिसमें भारत और चीन प्रमुख हैं, इनकी तरफ बढ़ा दिया है। रूस का लक्ष्य वैकल्पिक बाजारों के तौर पर एशिया को भुनाना और हर दिन की दर से लगभग 10 लाख बैरल तेल बेचना है। इसके लिए वो सस्ती दरों में भी तेल बेचने के लिए तैयार है जिसमें भारत प्रमुख है, जो निश्चित तौर पर पश्चिमी देशों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।